हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त शगमीत आज आपके लिए लेकर आए हैं ये बहुत ही शानदार घर। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों, जो आज का ये घर लेकर आए हैं, ये रहने वाला है 140 गज में। ईस्ट फेसिंग का ये घर है दोस्तों। इसमें सिर्फ अभी सिंगल यूनिट अवेलेबल है। 3 BHK के टोटल बिल्टअप है दोस्तों। के आस पास की आप सराउंडिंग्स देख सकते हैं, बहुत प्रॉपर डेवलप लोकेशन रहेगी। 25 फुट का इस घर का फ्रंट रहने वाला है और 50 फुट की लंबाई। इसके अलावा आपको फ्रंट में 7 से 8 फुट की बरह मिल रही है, जहाँ पे आप इजीली अपनी एक गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और साथ ही अंदर भी आपको एक अच्छी गाड़ी की पार्किंग मिलती है। तो 2 गाड़ियों की आपको पार्किंग इस घर में प्रॉपर मिल रही है, आप देख सकते हैं। और ये राइट हैंड साइड में आ जाएगी 2 व्हीलर की पार्किंग दोस्तों। साथ ही में इसमें अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज भी आपको मिल रही है। फ्रंट एलिवेशन में सारा ही टाइल वर्क किया गया है दोस्तों। स्टेयर्स घर के बाहर से ही रहेगी और स्टेयर्स के नीचे भी आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल रही है। प्रॉपर आपको मैश डोर और वुडन का डोर दोनों ही इसमें मिल रहे हैं दोस्तों। तो ये हम एंटर कर चुके हैं अपने घर के अंदर। घर एंटर करते ही आप देख सकते हैं कि आ जाता है हमारा ड्राइंग डाइनिंग एरिया। बहुत ही स्पेशियस ये रहेगा ड्राइंग डाइनिंग एरिया भी आपका। 12 फीट बाई 18 फुट का इसका रूम इसका साइज़ रहेगा। और प्रॉपर आपको डाउन सीलिंग मिल रही है। स्प्लिट एसी की वायरिंग इंटरनल इसमें ऑलरेडी की मिल रही है। पीओपी वॉल्स मिल रही है और सामने आपको एक बड़ा एलईडी पैनल भी मिल रहा है। तो प्रॉपर ये 3 BHK दोस्तों आपको एक घर मिलेगा, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे आपको 2 BHK मिलेगा और फर्स्ट फ्लोर पे 1 BHK। और ये आ जाएगा इसका मॉड्यूलर किचन आ जाएगा दोस्तों। प्रॉपर एक अच्छे स्पेस के साथ ये किचन बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं, जिसका साइज़ है 10 फीट बाई 8 फीट का किचन का साइज़ है। डबल सिंक आपको इसमें मिल रही है, साउंड प्रूफ सिंक आ जाएगी और सैनिटरी फिटिंग्स अभी इसमें होनी पेंडिंग है दोस्तों। प्रॉपर नीचे सरिया डाल के इसमें स्लैब डाली गई है, उसके ऊपर इसमें ग्रेनाइट रखा गया है दोस्तों। चिमनी की पाइप आपको ऑलरेडी इंटरनली इसमें डली मिल रही है। और ये सामने आपकी फ्रिज रखने की स्पेस आ जाएगी दोस्तों। तो चलते हैं अपने पहले बेडरूम की तरफ। जो हमारे पहले बेडरूम का साइज़ रहेगा वो रहेगा दोस्तों 12 फिट बाई 14 फिट का इसका रूम साइज़ रहेगा, जिसमें आपको आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर डाउन सीलिंग मिल रही है और बैक वॉल पे वॉलपेपर। साथ ही में रूफ हाइट आपको इसमें कपबोर्ड्स मिल रहे हैं, स्लाइडिंग कपबोर्ड्स आ जाएंगे दोस्तों। साथ ही में एक बड़ा LED पैनल भी इसमें मिल रहा है। और इधर आ जाएगा हमारा राइट हैंड साइड में अटैच वॉशरूम। वॉशरूम में भी प्रॉपर रूफ हाइट टाइल्स आपको इसमें लगाई गई है और साथ ही में डाउन सीलिंग भी की गई है। और ये आ जाएगा बैक साइड का हमारा वॉशिंग एरिया, जिसकी एंट्रेंस सेकंड बेडरूम से रहेगी। तो चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम पे। सेकंड बेडरूम का भी जो साइज़ है दोस्तों, वो भी रहने वाला है 12 फिट बाई 14 फिट का। प्रॉपर इसमें भी आपको एक अच्छे डिज़ाइन के साथ डाउन सीलिंग मिल रही है। बैक वॉल पे वॉलपेपर इसमें मिल रहा है, स्लाइडिंग कपबोर्ड्स आ जाते हैं, रूफ हाइट तक आप देख सकते हैं। साथ ही में आपका इधर मिरर भी लगाया गया है। और ये आ जाएगा हमारा LED पैनल। 12 फिट बाई 14 फिट का इस रूम का साइज़ रहेगा दोस्तों। इसके भी साथ में आपको अटैच वॉशरूम मिल रहा है। वॉशरूम में प्रॉपर रूफ हाइट टाइल्स मिल रही है, साथ ही में डाउन सीलिंग भी की गई है। सैनिटरी फिटिंग सारी ही इसमें पेंडिंग है अभी, वो सारी आपको पोजेशन से पहले लगा के देंगे। नक्शा पास प्रॉपर ये कोठी मिल रही है दोस्तों। ईस्ट फेसिंग का ये घर है, जिसकी डिमांड है 75 लाख की डिमांड है। एक बहुत ही अच्छे बजट रेंज में मिल रही है, सेक्टर 125 सनी इनक्लेव की लोकेशन में दोस्तों। तो जल्दी से आप इस घर की विजिट के लिए हमें कॉल करें, हमारा नंबर स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। तो चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे। स्टेयर्स पे भी आप देख सकते हैं सारा ही ग्रेनाइट लगाया गया है और स्टेनलेस स्टील की रेलिंग मिल जाती है। एक अच्छी स्पेस की हमें बालकनी इसमें मिल रही है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे स्पेशियस बालकनी। और ये सामने आप देख सकते हैं हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस में भी आपको प्रॉपर एक मैश डोर मिल रहा है, साथ में वुडन डोर मिल रहा है। फर्स्ट फ्लोर एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता है हमारा किचन एरिया। किचन में आपको प्रॉपर वुडन वर्क इसमें किया गया मिल रहा है, जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखी थी किचन, सेम ही आपको फर्स्ट फ्लोर पे भी मिल रही है दोस्तों।
और ये आ जाएगा साथ ही में किचन के सामने आ जाएगा छोटा सा लॉबी एरिया, और लॉबी एरिया के बिल्कुल सामने की तरफ साइड में आप देख सकते हैं एक बेडरूम आ जाएगा हमारा। जो इस बेडरूम का साइज़ रहेगा वो है 10 फिट बाय 11 फिट का रूम साइज़ रहेगा दोस्तों। इसमें भी आपको डाउन सीलिंग मिल रही है, स्प्लिट एसी की प्रोविज़न इसमें मिल रही है, साथ ही में इसमें हमें अलग से ड्रेसिंग एरिया मिलता है जिसमें कपबोर्ड्स लगाए गए हैं, और ड्रेसिंग के बिल्कुल साथ ही में आ जाएगा हमारा वॉशरूम एरिया। एक बड़ी विंडो इसमें मिल रही है जिससे काफ़ी अच्छी डे लाइट रहती है। और ये देखिए आ जाएगा हमारा ड्रेसिंग एरिया, ड्रेसिंग एरिया के बिल्कुल साथ ही आ जाएगा हमारा अटैच वॉशरूम। 75 लाख की इसकी डिमांड है दोस्तों। ईस्ट फेसिंग का एक घर है, 140 गज में के टोटल बिल्टअप रहेगा। नक्शा पास प्रॉपर्टी है दोस्तों, सेक्टर 125 सनी इनक्लेव मोहाली की लोकेशन है। इसकी और जानकारी जानने के लिए दोस्तों आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अगर आपको ये घर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और प्रॉपर्टीज़ की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू फ्रेंड्स।